आइए फिर से एक बार आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी बच्चे मेरे पास में आते रहते हैं, उनके माँ बाप आते रहते हैं, पूछते कि एडिक्शन है और एडिक्शन से कैसे हम उसको दूर करें या एडिक्शन से कैसे छुटकारा पाए। अभी एडिक्शन हो सकता है मोबाइल का, एडिक्शन हो सकता है व्हाट्सएप का, एडिक्शन हो सकता है इंटरनेट का, एडिक्शन हो सकता है यूट्यूब के वीडियोस का, एडिक्शन हो सकता है फेसबुक का, या एडिक्शन उसको है कोई सिगरेट है, कोई बीड़ी पी रहा है, चाय पी रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, या कोई भी तंबाकू का, कुछ भी एडिक्शन हो सकता है। और वो एडिक्शन से कैसा दूर उसको करना चाहिए, इसलिए लोग हमारे पास में आते रहते हैं। अब एडिक्शन होता क्यों है ये देखो पहले। ये जो चीज़ें है, कोई भी चीज़ जो है वो अपने को नशा करवाती है या नशा हमको आती रहती है। वो क्यों आती रहती है? जब हम वो चीज़ को लेते हैं, अंदर लेते हैं या वो बार बार करते रहते हैं, तो ब्रेन में ऐसे कुछ केमिकल्स तैयार हो जाते हैं। इन शॉर्ट केमिकल लोचा होता है। अब जब केमिकल लोचा होता है तो वो उसमें प्लेजर आता है। कोई भी एडिक्शन किया तो उसमें डोपामिनर्जिक सिक्रीशन ज़्यादा होता है, या डोपामिनर्जिक पाथवे जो है वो एक्साइटमेंट में चले जाते हैं, सेरोटोनिन के पाथवे जो है वो एक्साइटमेंट में चले जाएंगे और लेवल्स बढ़ जाएंगे और अच्छा लगता है। उस समय तो अच्छा लगता है। वो जो एडिक्शन है वो नहीं किया तो विड्रॉल आता है, वो करने की बार बार इच्छा होती रहती है। मगर बात मतलब कि ये भी है कि वो करने के बाद में रिग्रेट भी होता है, पश्चाताप भी होता है, मतलब पछतावा भी आता है उसका कि मैंने ये क्यों किया, करना नहीं चाहिए था, मैंने तो बोला था मैं करूंगा नहीं, और बाद में पछतावा भी आता है। तो पछतावा भी आता है वो करने के बाद, मगर करने के पहले तो क्या होता है, जब वो चीज़ सामने दिखती है ऐसा लगता है कि मैंने वो करना चाहिए, भले वो चाय का एडिक्शन हो, कॉफ़ी का एडिक्शन हो, सिगरेट का हो, शराब का हो, वो एडिक्शन मतलब वो चीज़ जब सामने आती है तो ब्रेन पूरा ब्लैंक हो जाता है, अंदर जो है अपना पूरा ब्लैंक हो जाएगा, और ब्लैंक हो जाएंगे और कुछ नहीं सूझेगा सिवाय वो चीज़ बार 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 दिमाग में वो चीज़ आएंगी, वो करना है, वो करना है, वो करना है, और वो करने के बाद में अच्छा लगता है, प्लेजरेबल लगता है, मज़ा आता है वो करने के समय। और एक बार का वो नशा उतर गया, बाद में एक तो पछतावा आता है, मैंने क्यों किया, मैंने ठहराया था कि मैं करूँगा नहीं, मैं पीऊँगा नहीं, और तभी भी मैंने किया। अभी इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हम बोलते हैं कि भाई चाय बंद करो, चाय बंद करो, चाय बंद करो, या कॉफ़ी बंद करो, या शराब बंद करो, या फेसबुक बंद करो, या उसका एडिक्शन से मुक्तता पाओ, वो एडिक्शन से मुक्ति पाओ, वो उसके ऊपर लड़ना, उसमें कुछ मिलने वाला है नहीं। हमको लड़ना कहाँ है, या हमको जो बदलाव लाना है वो कहाँ लाने का है, वो अंदर दिमाग में लाना पड़ेगा। जिसने अंदर जो है दिमाग के ऊपर काबू ला लिया, दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर लिया, वहाँ बदलाव लाया, बाहर तो वो कहीं बदलाव ला सकता है। आपको एक एडिक्शन नहीं, आपको काफ़ी सारे एडिक्शन है। हो सकता है कुछ लोगों को थिंकिंग का एडिक्शन हो जाता, काफ़ी सोचते रहते हैं, बार बार सोचेंगे। कुछ लोगों को आलसीपना है, उसका एडिक्शन हो गया है। कुछ लोगों को एक्सरसाइज नहीं करने का एडिक्शन है, कुछ लोगों को करने का एडिक्शन है, तो कुछ लोगों को नहीं करने का भी है, कुछ लोगों को बहुत पढ़ने का एडिक्शन है। तो कुछ एडिक्शन अच्छे भी है, कोई बुरे नहीं है, मगर उसका फ़ायदा क्या है? जो बुरे है उसमें तो तकलीफ होती रहती है। जो बुरे एडिक्शन, उसमें शराब का एडिक्शन है, सिगरेट का है, पान तंबाकू का है, उसमें तो बुराई तो होती रहती है, बदन के ऊपर असर होगा, बदन खराब हो जाएगा, जो भी है वो होगा। तो अभी संभालिए कि एक एक करके एडिक्शन छोड़ना कि एकदम छोड़ना, धीरे धीरे छोड़ना कि एकदम एकाएक छोड़ देना। तो मैं बोलता हूँ कि एकदम एकाएक सब एडिक्शन छोड़ने पड़ेगा, एक साथ छोड़ दो सब एडिक्शन। और वो संभव कैसा है? वो संभव तभी हो सकता है जब आप अपने ब्रेन के ऊपर, अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर विजय हासिल करोगे, उसके ऊपर कंट्रोल हासिल करोगे, उसके ऊपर काबू हासिल करोगे, क्योंकि वहाँ से सब शुरू हो जाता है, वहाँ से विड्रॉल आते रहता है। तो जब कभी एडिक्शन जो है उसकी इच्छा होती है, वो करने की इच्छा होती है, वो बार बार करने की चाहत होती है, तब जस्ट अपने आप को ऑब्जर्व करो, ब्रेन में क्या हो रहा है उसको जस्ट ऑब्जर्व करो। देखो अभी कैसा हो रहा है, जस्ट एक कुछ सेकंड के लिए रुको, देखो अभी कैसा हो रहा है, देखो कैसे चेंजेस आ रहे, देखो कैसा मेरे को विड्रॉल आ रहा है, खुद को देखो। और खुद को जब आप देखोगे,
खुद को देख पाऊंगी इस तरह से, देखो ये जो है ना मैं नहीं हूँ, मुझे चलाने वाला कौन है, चलाने वाला ब्रेन है, मुझे सबकॉन्शियस माइंड में वो चला रहा है और वो मुझे उसके लिए डेफिनेटली फोर्स कर रहा है कि वो मैं करूँ, मैं वहाँ से गायब हो जाता हूँ और ब्रेन जो है ना वो टेक ओवर कर लेता है, वो सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर लेता है। उसको ऑब्जर्व करना और उसको ऑब्जर्व करके व्हाट इज सो, क्या है उसके बारे में, उसको देखो। आप जब उसको देखना चालू करेंगे धीरे 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 आप उसके ऊपर कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि जो हम थॉट्स ऑब्जर्व करते रहते हैं ब्रेन में, जो भी कुछ हो रहा है उसको हम ऑब्जर्व करना चालू करेंगे उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड कम हो जाएंगे तो आपका एडिक्शन जो है उसका, जो क्रेविंग है एडिक्शन का, वो भी कम हो जाएगा। तो ये एडिक्शन के लिए आप जरूर करके देखिएगा, आपको जरूर फायदा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो मिशन है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये है। हम ऑनलाइन काउंसलिंग भी करते रहते हैं और यहाँ भी लोग आते रहते हैं। हिस्सारों के साथ में भर्ती करने की व्यवस्था है, हिस्सारों के अलावा भर्ती करने की हमारे यहाँ व्यवस्था है, और लोग अपनी अपनी मानसिक बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ के करते रहते हैं। मोटिवेशन की वीडियोस देख के सुन के लोग मोटिवेट भी होते रहते हैं। आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों के जीवन में फर्क करो, लोगों को शेयर करो ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।